जनगणना होनी चाहिए या बहस जो है संसद से निकलकर अब सड़कों पर आ गई है और उसका सही हथियार जातिगत जनगणना है कि पर्दा ना उठाओ और पर्दा उठ गया तो भेद खुल जाएगा। दिस इज कॉल्ड कास्ट सेंसस। कुछ ज्यादा ख्वाहिशें नहीं जिंदगी तुमसे, बस मिला अगला कदम पे पिछले से बेहतर। 60% से ज्यादा आबादी हम लोग OBC से आते हैं, लेकिन OBC का वहाँ MLA का भी कोटा कहीं पे नहीं दे रहे। OBC को सरकारी नौकरी और पब्लिक सेक्टर में 27% आरक्षण दिया जाए। जातीय असमानता फैली हुई है, उसको दूर करने में मदद मिलेगी। गोपीनाथ मुंडे ने जनगणना करने की बात की थी और संसद के अंदर एक लगातार जो बहस चलती रही कि जनगणना होनी चाहिए या बहस जो है संसद से निकलकर अब सड़कों पर आ गई है, चौराहों पर आ गई है, गली मोहल्लों में बात होने लगी है कि इस देश में वंचित तबकों के साथ न्याय होना चाहिए, उसके लिए जाति जनगणना जरूरी है। कि वहां पर भी जो हम 1585 की बात करते हैं, वहां हम 1585 नहीं है, वहां पर 90-10 है। लेकिन अगर वो 90-10 हैं, अगर वहाँ पर ये गिनती है 90-10 की, तो इस देश में ये गिनती क्यों नहीं है? एक बात मैं और भी आपको बताना चाहता हूँ कि हमारा जो एक साल का जो मुकदमा रहा है, इस सबका वहन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने वो वहन किया था। उनका खुद का वकील था, सुप्रीम कोर्ट भी हम लोग गए, वहाँ का भी जो भी खर्चा आया, एक एक पैसे का खर्च माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने उठाया। मैं बात कर रहा था कि जब जेल में गिनती है 90-10 की, तो बाहर वो गिनती क्यों नहीं है? ये साल बहुत ही इम्पोर्टेंट साल है, बहुत ही महत्वपूर्ण साल है। ये 2024 है और आप लोग को पता होगा कि एक व्यक्ति के जीवन में 34 साल बहुत ही महत्वपूर्ण समय होता है। उन 34 साल में व्यक्ति नौकरी पाता है और रिटायर हो जाता है। तो अगर 1990 में 7 अगस्त 1990 में जब मंडल आयोग की सिफारिशें लागू हुई, एक सिफारिश लागू हुई थी कि OBC को सरकारी नौकरी और पब्लिक सेक्टर में 27% आरक्षण दिया जाए, तो क्या आज 34 साल बाद इस बात का आकलन करने का समय है कि क्या ईमानदारी से वो 27% का आरक्षण इस देश में लागू हुआ कि नहीं हुआ? यदि आपको लगता है कि लागू हुआ तो बात आगे जो खत्म हो जाती है, लेकिन अगर लगता है कि लागू नहीं हुआ तो इस बात पर चर्चा करने की बात है। और इस बात का सही आकलन करने का ये सबसे महत्वपूर्ण साल है और उसका सही हथियार जातिगत जनगणना है। जातिगत जनगणना की बात आती है तो ऐसा नहीं है कि पहली बार जातिगत जनगणना की बात उठी है। आपको याद होगा कि 2010 में जब UPA 2 की सरकार चल रही थी, तो उस समय शीतकालीन सत्र में तत्कालीन सांसद स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी और स्वर्गीय गोपीनाथ मुंडे जी, इन्होंने कहा था कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। ये ऑन द रिकॉर्ड है, आप इसको जो देख सकते हैं। और 2018 में हमारे गृह मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी ने भी कहा था कि जब 2021 में जातिगत जनगणना होगी तो उसमें OBC की भी गिनती की जाएगी, लेकिन शायद हुई, वो आंकड़े अभी तक आए नहीं। लेकिन जब बिहार की बात आती है कि बिहार के जब जातिगत जनगणना हुई और उसमें जब श्रेय लेने की बात आई, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है सबसे आगे थे, कहते कि बिहार की जातिगत जनगणना का श्रेय हमें देना चाहिए। लेकिन जब बात जो देश में जातिगत जनगणना की आती है, तो वो कहते हैं कि इससे देश टूट जाएगा, ये काम जो बिल्कुल मत करना। अगर इस समय जो है देश टूट रहा है, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या 2010 में आप लोग देश टूटने का लेक्चर दे रहे थे?
और बिहार की जातिगत जनगणना में एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि 63% ओबीसी है, लेकिन इंटरेस्ट वो नहीं है कि 63% ओबीसी है कि नहीं है, 63% को ओबीसी है ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जो चुनाव के सर्वे होते हैं तमाम जो सरकार की एक बुक है पॉलिटिकल सर्वे पीपल ऑफ इंडिया, उसमें ये सर्वे हैं सब कुछ जो है। लेकिन उस सर्वे में जो एक बात सामने आई कि पोस्ट ग्रेजुएट्स ओबीसी के कितने हैं, ओबीसी और दलित के पोस्ट ग्रेजुएट कितने हैं, अगर एक समाज में 10,000 लोगों को शामिल कर लिया जाए तो किस जात के या किस समाज के पोस्ट ग्रेजुएट हैं, शायद आप जो लोग सोच रहे होंगे वो नहीं है। 10,000 में 1,080 पोस्ट ग्रेजुएट काय समाज से हैं, आप लोग सोच रहे हो कि और कोई होगा, लेकिन वो नहीं है, वो केवल 4.5% है, और ओबीसी 1% है, और एक जात आती है मुसहर 10,000 में केवल ये। ऐसे अगर देखेंगे कि जो है कि कितने परसेंट है, एक जगह 10% है, एक जगह 1% है, और एक जगह 0.01% है, तो कोई बात जो समझ में नहीं आएगी। बात आप इसको थोड़ा उल्टा जो देखिए, एक जगह एक है और एक जगह 1,080 है, ये कितना डिस्क्रिमिनेशन है हमारे समाज में, हम इस बात को समझने का प्रयास नहीं करते। और लोग कहते हैं कि जातिगत जनगणना से क्या हो जाएगा, जनों लोग कहते हैं कि भाई हमारी क्यों कराओ, हमें तो आरक्षण जो मिलता नहीं है, लेकिन आपको आरक्षण नहीं मिलता है तो आप लोग उसका विरोध क्यों करते हैं, आखिर कोई बात तो है ना, कि आप अगर उसका विरोध करते हैं तो कोई बात तो होगी कि इस देश में जातिगत जनगणना से क्या मिलने वाला है, इस देश में जातिगत जनगणना से मिलने वाला क्या है। ये तो पहले तो पोस्ट ग्रेजुएट में आपने देख लिया, दूसरा जो जातीय असमानता फैली हुई है उसको दूर करने में मदद मिलेगी, जो सरकार की नीतियां जो बनती हैं उसको दूर करने में, मतलब कि हमारे पक्ष में क्या नीतियां हैं क्या नहीं हैं इसको समझने में मदद मिलेगी। लेकिन वो चाहते नहीं कि जातिगत जनगणना हो, क्यों नहीं चाहते हैं, मैं चूंकि डॉक्टर हूँ, एक डेंटिस्ट हूँ, थोड़ा डॉक्टरी लैंग्वेज में बताऊँगा आप लोग समझेंगे भी, एक एक्सरे होता है और एक एमआरआई होता है, तो एमआरआई में हर चीज़ को खुल के सामने आ जाती है, वैसे ही जातिगत जनगणना एक्सरे नहीं है, ये एमआरआई है, और इसमें सब कुछ खुल के सामने आएगा। और बहुत पुराना एक गाना है, आप सब लोग जानते होंगे कि पर्दा ना उठाओ, अब पर्दा उठ गया तो भेद खुल जाएगा। दिस इज कॉल्ड कास्ट सेंसस, कि एक विशेषाधिकार वर्ग का विशेषाधिकार कौन लेकर के बैठा हुआ है, उसके ऊपर से पर्दा उठाना ही क्रांतिकारी का कदम है, और इसी को कास्ट सेंसस कहते हैं। मैं चाहता हूं कि हमारे जितने भी लोग बैठे हुए हैं ये इस बात को समझते हैं, और इस बात को आगे भी, मेरा क्या है, मैं आज यहाँ से कह करके चला जाऊँगा, आप लोग सुने और आप लोग भी चले जाएंगे, लेकिन इसका फ़ायदा क्या है, इसका फ़ायदा ये है कि आप लोग समझदार आदमी, आप लोग हमारी बात को जो समझे हैं जो सुने हैं उसको ट्रांसफ़र करिए, इस हाल के अंदर तक इस बात को रहने मत दीजिए, क्योंकि अगर इसके हाल के अंदर तक ये बात अगर रह गई तो आगे फिर क्या है। बस जाते जाते एक शेर है, मैं वो कहना चाहूँगा, कुछ ज़्यादा ख्वाहिशें नहीं है ज़िंदगी तुमसे, कुछ ज़्यादा ख्वाहिशें नहीं ज़िंदगी तुमसे, बस मेरा अगला कदम पे पिछले से बेहतर, बस मेरा अगला कदम। उड़ीसा का 100 से 72% रेवेन्यू हम लोग वेस्टर्न उड़ीसा वाले देते हैं,
लेकिन हम लोग का वहाँ पे डेवलपमेंट पूरा जीरो है। एक यूनिवर्सिटी है, एक मेडिकल कॉलेज है, जबकि कोस्टल एरिया में 17-18 या 20 तो यूनिवर्सिटी है और मेडिकल कॉलेज वगैरह भी है। और जब से भारत स्वाधीन हुआ है तब से एक कैटेगरी एक ही वर्ग का वहाँ पे सीएम बन रहा है। इस बार बीजेपी ने जीता है, लेकिन उनको ऑपरेट भी कर रहे हैं, वही लोग ऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो चीफ है, चीफ सेक्रेटरी है, वो दिल्ली से अपॉइंट होकर गए हैं। तो जब मंडल कमीशन बना था तब से अभी तक ओडिशा में रिजर्वेशन लागू नहीं हुआ है। संदीप सर बोले कि 11.5 मिल रहा है, वो भी नहीं मिल रहा है ओडिशा में, क्योंकि वहाँ ना जॉब में, ना राजनीति में, ना एजुकेशन में या प्रमोशन में, कहीं में भी ओबीसी का कोटा नहीं है। अभी वहाँ पे सुभद्रा योजना कुछ निकला है, वहाँ का फॉर्म में ओबीसी नहीं है। जो चाइल्ड प्रोजेक्ट होता है उसी में भी फॉर्म में ओबीसी कहीं पे नहीं लिखा रहता है। तो उस तरफ पर मोनोपोली चल रहा है ओडिशा में। तो मैं ये बताना चाहता हूँ, जो अभी रिसेंटली बीजेडी गवर्नमेंट वहाँ पे ये हो के बीजेपी में कन्वर्ट हुआ है, दोनों मिले हुए हैं। वहाँ पे सर्वे हुआ था लास्ट 6 महीने पहले, हुआ था सर्वे ओबीसी वालों का, जनगणना हुआ था, लेकिन अभी बीजेपी गवर्नमेंट जो चीफ मिनिस्टर वहाँ बने हैं उसको डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। तो हम भी वहाँ पे मांग कर रहे हैं कि वहाँ भी जनगणना हो। और बहुत सारे हैं जो एमएलए कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहाँ पे 60% से ज़्यादा आबादी हम लोग ओबीसी से आते हैं, लेकिन ओबीसी का वहाँ एमएलए का भी कोटा कहीं पे नहीं दे रहे, या फिर वो सर्वे में भी वो डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं कि कितना परसेंटेज ओबीसी है। और वहाँ पर जो वेदांता माइनिंग्स है, आप संदीप सर बता रहे थे, वो लोग अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड में 2,000 करोड़ रुपये बीजेपी को दिए हैं, मतलब वहाँ से वो खानी खादान वो लूट रहे हैं। अगर एक पार्टी को 2,000 करोड़ दे रहे हैं तो एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गया, इसी टॉपिक पे 0% है वहाँ पे उनका सीएसआर फंड, पार्टी चंदा, जो बीजेपी गवर्नमेंट है या कांग्रेस भी मान सकते हैं या फिर बीजेडी, तीनों लूट कर रहे हैं। और आगे चल के वहाँ पे खेतीबाड़ी जो है वो लोग हमारा ओबीसी से करते हैं, ज़्यादातर है ओबीसी। हीराकुड डैम जो है वहाँ का पानी अभी इंडस्ट्री वालों को दे रहे हैं, इंडस्ट्री वाला फ्री ऑफ कॉस्ट में पानी ले रहे हैं, लेकिन अभी जो खेतीबाड़ी कर रहे हैं, चासी लोग भाई कर रहे हैं, उनको स्मार्ट मीटर बना दे रहे हैं, स्मार्ट मीटर लगा के उनको पैसे वसूल कर रहे हैं। घरों में जो पानी सप्लायर है वहाँ पे भी मीटर डाल रहे हैं, जितना वो पानी यूज करेगा वैसा पैसा देना पड़ेगा, लेकिन इंडस्ट्री के लिए कुछ भी पैसे का देने का नहीं है, क्योंकि वो लोग पार्टी चंदा दे रहे हैं। तो ये सब ओबीसी का मुद्दा है। आगे चल के मैं सभी के साथ मिलकर दिल्ली में कैसा ओडिशा का बात उठा पाऊँगा, इसलिए मुझे सभी का सहयोग चाहिए। मीडिया भाई का तो सबसे ज़्यादा सहयोग चाहिए, जो ओडिशा का मुद्दा है, ओडिशा का मुद्दा का कैसा सेंट्रल लेवल में आ पाएगा, तो मीडिया भाई मुझे जैसे कॉपरेट करेंगे आगे चल के, इनको मुझे सेपरेटली मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। और मेरे साथ शिवेश भाई है जो कि वहाँ रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी कंप्लीट है उनका और अच्छा साइंटिस्ट भी है, लेकिन उनको जॉब नहीं मिलता। क्यों जॉब नहीं मिलता? उनका जो इंटरव्यू लेते हैं, स्पेशली एक कैटेगरी वाले इंटरव्यू लेते हैं, उनको जॉब नहीं मिल पा रहा, लेकिन उनका जो साथी है जो पीएचडी नहीं किए हैं, इनको जॉब मिल गया। तो इससे एजुकेशन के ऐसा सिस्टम है, क्योंकि हम लोग को एजुकेशन में भी आगे जाना है, एजुकेशन मुद्दा सबसे आगे होना चाहिए, क्योंकि संदीप सर तो एजुकेशन से हैं, बहुत सारे प्रोफेसर हैं एजुकेशन में हैं, और एजुकेशन में ओबीसी वालों किस तरफ नज़रअंदाज कर रहे हैं सभी को पता है। तो मैं इतना बोलना चाहता हूँ, आगे हम लोग कैसे एकजुट हो पाएंगे और आगे हम लोग का मुद्दा आगे ले जाएंगे, ये इसका सभी प्रयास करेंगे और मैं भी प्रयास करता रहूँगा। जय ओबीसी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।